बाजार घटकांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करून रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच सिडकोकडून मार्केट फ्री होल्ड करण्यात यावे, या मागणीकरिता ग्रोमा संस्थेतर्फे राज्यपाल भगत कोश्यारी यांना लेखी निवेदन देण्यात आले, तर लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सांगणार असल्याचे राज्यपाल कोश्यारी म्हणाल्याचे ग्रोमा सदस्य सांगत आहेत. यावेळी ग्रोमा संस्थेचे सचिव अमृतलाल जैन, भीमजी भानुशाली, जयंत गंगर, APMC धान्य मार्केटचे संचालक निलेश वीरा व दिनेश भानुशाली यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. नव्या कायद्यानुसार शेतकरी कुठेही आपला माल विकू शकतील, यामुळे शेतकरी, उद्योजक, गिरणी कामगार यांच्या नावावर बाहेरून व्यापारी थेट मुंबईला माल पाठवत असून त्यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण व कर नाही. वाहतूक कोंडीमुळे व्यापाऱ्यांना मुंबईहून नवी मुंबईत आणण्यात आले, परंतु या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून माल सरळ जात आहे, त्यामुळे व्यापारी, कर्मचारी आणि माथाड्यांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. आमच्या व्यापाऱ्यांना बाजारात व्यवसाय करण्यासाठी कर आकारला जात आहे. अशा प्रकारे अप्रत्यक्ष व्यापाऱ्यांना संपवण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे ग्रोमाचे सदस्य सांगत आहेत. कोरोना काळात व्यापाराच्या वेळा वाढवून द्याव्यात. बाजार स्थलांतर होऊन 28 वर्ष झाले असून बाजारावरात विविध समस्या तशाच आहेत. बाजाराचे अधिकार अजूनही सिडकोकडे असून बाजाराचा मालकी हक्क सिडकोच्या वतीने मोफत मिळावा अशी मागणी ग्रोमा सदस्यांनी यावेळी राज्यपालांकडे केली. कोरोना कालावधीत काम केल्यामुळे मरण पावलेले व्यापारी, कर्मचारी आणि माथाडी यांना सरकारने कोरोना वॉरियर्स म्हणून 50 लाख विमा दिला जावा. डॉक्टर, परिचारिका आणि पोलिसांसारख्या सुविधा व्यापाऱ्यांना मिळाव्यात. तसेच गेली 40 दिवसांपासून लस बाजार घटकांना मिळत नसून ती देखील उपलब्ध करून देण्यात यावी अशा विविध मागण्या ग्रोमा संस्थेकडून राज्यपालांकडे करण्यात आल्या. आज हम राज्यपाल महोदय से दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले उनके सब अधिकारियों के साथ आज हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई. उसमें मार्केट की समस्याओं के बारे में, व्यापारियों की समस्याओं के बारे में, उनके समय के बारे में, मार्केट की हालत जो ख़राब है, स्ट्रक्चर की हालत के बारे में और बाकी सारे मुद्दे के रूप में चर्चा हुई. और हमने राज्यपाल महोदय से कहा कि जो प्रैक्टिकल जो हमारे लोगों ने एक डॉक्टर और नर्स से भी ज़्यादा काम किया है, उनको कोरोना वॉरियर्स करके जो लोग उनमें डेथ हुई उनमें 50 लाख का इंश्योरेंस कवच वो भी हमने मांगा है. और सबसे बड़ी तकलीफ के जो हमारे व्यापारी और गुमास्ता जिनको आने जाने में तकलीफ है, राज्यपाल महोदय से हमने निवेदन किया है कि हम भी एसोसिएशन कम्युनिटी में हैं, इसके लिए हमें ट्रेन यात्रा का परमिशन दिया जाए, उसके लिए पत्रक जारी किया जाए. और भी बहुत सारी समस्याओं का हमने जिक्र किया. राज्यपाल महोदय ने बड़े आत्मविश्वास के साथ और हमारे काम की सराहना करते हुए हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं के बारे में केंद्र को और राज्य को लिख करके समाधान करने में हम पूरी कोशिश करेंगे. ये हमारी बात है. राज्यपाल जी को आज हम मुंबई में लगभग 50 दिन से 500 से नीचे कोरोना लोग कम हो गए, ये तहकीकात कराया कि अभी भी इतने लोग कम हो गए कोरोना के, तो भी ये मार्केट 4 बजे तक बंद और लोगों का आने जाने की परेशानी, वो परेशानी हमारी जल्दी खत्म करो, तो उसने ठोस आश्वासन दिया है कि ये आपका काम 2 से 4 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपकी ट्रेन भी चालू हो जाएगी और टाइम भी बढ़ा 8 बजे तक बढ़ा दूंगा. ब्यूरो रिपोर्ट, APMC न्यूज. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी APMC न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.